किस्सा बनाएं। भाभी अब तो फुल तैयार है, हेयर स्टाइल भी खराब हो जाएगा। मेरे बालों का किस्सा छोड़ो और आओ मेरे साथ। भाभी हेयर स्टाइल अब तक सेट है? क्योंकि स्टाइल की फाउंडेशन है असली आमला वाली चम्पी। बड़ी ईद पे ज्यादा काम तो होता ही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़ी खुशियाँ ना मनाएं। बड़ी सच्ची बात की है भाभी। एग्जैक्टली, हिस्सों का क्या है, वो तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अपनों के साथ प्यार भरे किस्से हमेशा लिखते रहें और हर त्योहार को इसी तरह खुशी से मनाते रहें। डाबर दानिश के यहाँ बनता है दूध वाला शीर खोरमा और मेरी अम्मी के घर भुने हुए सेवइयों वाला। जब ये बात मेरी सास को पता चली ना, तो उन्होंने कहा क्यों ना तुम दोनों स्टाइल को मिक्स करके अपने स्टाइल का शीर खोरमा बना लो। मैंने सोचा गुड आइडिया। सच में ईद रिवायतों को माइनस नहीं बल्कि प्लस करने का मौका होता है, इसलिए मैंने अपने घर की ईद की एक रिवायत दानिश के ऐड कर